मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमार सिंह ने आदिवासी ग्रामीणों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार सिंह भाजपा को निशाने पर लेने से भी नहीं चूके। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के चुनाव वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत कर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर रामनगर के सैदुरा गांव में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां आदिवासी ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य कर राजेंद्र कुमार सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर राजेंद्र कुमार ने देवता बड़ा देव की पूजा अर्चना भी की और अपने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों का धन्यवाद किया। वहीं भाजपा को निशाने पर लेते हुए राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज भाजपा सरकार के शासन में बिजली का संकट सामने खड़ा है। जनता प्रदेश में आप कांग्रेस की सरकार बनवाएगी। वहीं विधायक फुंदलाल मार्को ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को जहां जाना है चले जाएं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा। दूसरा लाडली बहना ये बहुत चिल्ला रहा है शिवराज। अभी तो सीहोर के आम सभा में बोला कि बहनों मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें बहुत याद आएगा, कि चले जाओ कौन कौन कहे तेरे को चला जाओ का हम तो मुंह धर के रोकते चले गए। अरे कांग्रेस सरकार बनाएगी 23 में, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। आप पिछले बार दादा हमारे बने थे, क्षमता कम है, बिजली की हालत क्या है, बिजली सुधार नहीं रहा, मामा हर दूसरे गांव का ट्रांसफॉर्मर फेल है। ये सारी चीजें हमारी आने वाली सरकार सुधारेगी, बेहतर करेगी। और जो गारंटियां दी हैं कमलनाथ जी, 1,000 रुपया 1,500 रुपया महीना, 500 में गैस सिलेंडर और सबको बिजली फ्री घर में, 100 यूनिट तक, 100 यूनिट से ज्यादा कोई नहीं जलाता, सबको मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर आपका पंप है 5 पंप का तो पहले भी कांग्रेस ने कर दिया तो चला रहा, लेकिन घर की बिजली आप लोगों को मुफ्त मिलेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।